जब दुष्कर्मी भागने की कोशिश करते हैं या अटैक करने की कोशिश करते हैं, उस हालात में एनकाउंटर करने की सिवा कोई पर्याय नहीं रहता, तभी एनकाउंटर किया जाता है। तो मैं इस एनकाउंटर का समर्थन करता हूं और उस पुलिस कर्मियों का अभिनंदन करता हूं जो बहनों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, इससे जो पूरे देश की महिला माता बहनों में जो डर पैदा हुआ था वो डर निकल गया। अब जो तेलंगाना के पुलिस ने उन दुष्कर्मियों के साथ किया, उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए। वे दुष्कर्मी अपराधी बनकर इस जांच से भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, इसके लिए मैं तेलंगाना पुलिस का अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। ऐसे मामलों में जितनी जल्दी कार्रवाई हो उतना ही देश के लिए, समाज के लिए अच्छा हो। पुलिस को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पुलिस के ऊपर कोई हमला करे तो पुलिस हाथ में हाथ रखे तो नहीं बैठी रहेगी ना, पुलिस को एक्शन में तो आना पड़ेगा। भैया, त्वरित न्याय एक है, दूसरा है कि संयोग होता है, क्यों किया, तो ये सारी बातें हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन जो हुआ, मैं तो ये कहती हूँ कि भगवती उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शांति दे और लोगों के मन में खौफ बैठे। आज पुलिस के हाथों में हर चीज़ है, हर व्यक्ति अपने इर्द गिर्द यदि पुलिस को देखता है तो सुरक्षित महसूस करता है और तेलंगाना पुलिस ने ये साबित कर दिया कि उसकी उपस्थिति में किसी भी बहन बेटी के साथ यदि जघन्य अपराध होता है तो उसकी सजा क्या होगी, ये उसने दे करके साबित कर